हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज प्रेमचंद धाकड़। आज हम आपके मैथमेटिक्स के अंदर स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला पार्ट, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आपके हर एग्जाम्स के अंदर इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसे आपके मैथ्स की जान बोलते हैं, अंक गणित। इसे आपकी जो अर्थमेटिक होती है, अंक गणित होती है, इसे उसकी जान बोला जाता है। इसके पूरी मैथ्स के अंदर सभी एग्जाम्स में काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। SSC, बैंक, रेलवे, UPSC, पुलिस, सभी एग्जाम्स में इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन बन के आते हैं। हम आपको पूरे मैथमेटिक्स के अंदर नंबर सिस्टम के आपको 12 वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। इसमें से आज हम आपके लिए पहला वीडियो शूट करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं सबसे पहली बात ध्यान देते हैं हम लोग संख्या पद्धति, जो कि टॉपिक मैंने स्टार्ट किया आपके, संख्या पद्धति। अब संख्या क्या होती है, पद्धति क्या होती है, संख्या कितने प्रकार की होगी, किस किस प्रकार से इनको रखा जाएगा, किस किस नाम से इनको जाना जाएगा, हर बात के बारे में हमको डिटेल से एनालिसिस होना चाहिए। सबसे पहली बात करते हैं हम लोग, संख्या बनती कैसे, कहां से बनी। तो देखिए, सबसे पहली बात करूँ मैं अंक की। अंक बोले तो डिजिट। अब ये डिजिट क्या होती है, कहाँ से बनी है, कैसे बनी है। तो देखिए, 0 से लेकर 9 तक के सिंगल गणिती जो मान होते हैं वो आपके अंक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 0 से लेकर 9 तक के सिंगल गणिती मान आपके अंक कहलाते हैं। और इन अंकों से जो बनता है वो संख्या बनती है। तो कम से कम 2 या 2 से अधिक अंकों के कॉम्बिनेशन से जो बनता है वो संख्या कहलाती है। संख्या की बात करूँ तो नंबर्स, संख्या जिसे हम नंबर कहेंगे, नंबर। तो कम से कम दो या दो से अधिक अंकों से जो बनता है वो संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, 12, 345, 6725 इस प्रकार से। तो कम से कम 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर जो बनेगा वो संख्या कहलाती है। अब संख्या के बाद में आती है संख्या पद्धति, जिसे हम कहेंगे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति जिसको हम कहते हैं नंबर सिस्टम, क्या होता है सिस्टम नंबर का रखने का। तो नंबर सिस्टम के लिए सुनिए कि संख्याओं को सुनियोजित करने के तरीके को नंबर सिस्टम कहते हैं, और संख्याओं को कितने प्रकार के भागों में बांटा जाता है। मोर टाइप की संख्या होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करें, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, अपरिमेय संख्या, काल्पनिक संख्या, अभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, स्थानीय मान, जातिमान, काल्पनिक वैल्यू, बाइनरी डिजिट, मैनी मोर टाइप के नंबर्स होते हैं हमारे पास में। इनको हमको स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करना है। सबसे पहला हम इस क्रम में आगे बढ़ते हैं, संख्या पद्धति के अंदर पहली संख्या लेते हैं। और पहली संख्या के लिए ध्यान दीजिएगा, संख्या पद्धति में प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर पहली संख्या आती है मेरे पास, प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या जिसको हम कहेंगे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। व्हाट इज नेचुरल नंबर? तो द नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 1 to n infinite, द नंबर टोटल पॉजिटिव। ये नंबर, ये संख्याएं हमेशा 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है, और ये सभी संख्याएं हमेशा धनात्मक होती है। फॉर एग्जांपल की बात करूँ, प्राकृत संख्या ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती है और लगातार होती हुई अनंत तक जाती है, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। सभी प्राकृत संख्याएं हमेशा धनात्मक होगी, ऋणात्मक नहीं होती है। और संख्या की शुरुआत करें तो 1 से प्रारंभ होती है। प्राकृत संख्या को एक और नाम से जानते हैं, इन्हें हम अपूर्ण संख्या भी कहते हैं, अपूर्ण संख्या। ध्यान दीजिएगा, ये नाम आपने कभी नहीं सुना होगा, आज सुनिए, अपूर्ण संख्या। अपूर्ण संख्या इनको क्यों कहते हैं, क्या रीज़न अपूर्ण संख्या कहने का? तो इन्हें अपूर्ण संख्या इसलिए कहा जाता है क्योंकि संख्याएं बनती 0 से लेकर 9 तक के अंकों से, और मैं इनमें 0 अंकों में शुरुआत में काउंट नहीं करता हूँ। जैसे मैंने इसके अंदर 0 अंकों काउंट नहीं किया, मैंने इसमें 1 से 2 से 3 से 4 से अनंत तक स्टार्ट किया है, मैंने इसमें 0 अंकों इंक्लूड नहीं किया। 0 अंकों इंक्लूड नहीं किया तो संख्या मेरी अधूरी रह गई, और अधूरी रह गई इसका मतलब इसको अपूर्ण संख्या कहूँगा। तो ये बातें तक
इसमें हम लोग इस संख्या में जीरो यानी शून्य को सम्मिलित नहीं करते हैं। यहां तक क्लियर। आगे बात करें सेकंड संख्या, पूर्ण संख्या जिसको होल नंबर कहते हैं, होल नंबर। तो होल नंबर स्टार्टेड जीरो टू एन इनफाइनाइट, देन नंबर टोटल पॉजिटिव, देन कॉल्ड होल नंबर। वो संख्याएं जो जीरो से शुरू होती है और एक दो तीन चार लगातार होती हुई प्लस अनंत तक जाती है, उन संख्याओं को पूर्ण संख्या के नाम से जाना जाता है। ऐसी संख्याएं जो जीरो से शुरू होती है, एक दो तीन चार पाँच छः अनंत तक जाती है, प्लस के रूप में जाती है, उन संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब ध्यान रखने वाली बात ये, दोनों का डिफरेंस समझते हैं हम। यहाँ पर इसको थोड़ा सा कुछ टाइम का हिडन करते हैं और देखते हैं ये संख्या और इस संख्या दोनों में हम देखते हैं बिल्कुल सेम नज़र आ रहा है हमको, बस दोनों में इस एक ही बात का डिफरेंस है कि बस इसमें जीरो नहीं आता है और उसमें जीरो नहीं आता है। जैसे प्राकृत संख्या में अगर जीरो को ऐड कर लें शुरू में तो संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण बन जाएगी। अतः मैं इसकी न्यू डेफिनेशन एक और दे सकता हूँ, नई परिभाषा एक और दे सकता हूँ, और क्या दे सकता हूँ कि पूर्ण संख्या इज इक्वल टू जीरो प्लस प्राकृत संख्या। अतः जीरो के साथ में अगर प्राकृत संख्या ले ली जाए तो संख्या पूर्ण बन जाएगी। यहाँ तक बात होने के साथ साथ तीसरी बात पर चलेंगे, वो होगा हमारी पूर्णांक संख्या, जिसे एंट्री का नंबर कहेंगे, पूर्णांक संख्या। व्हाट इज पूर्णांक संख्या, व्हाट इज एंट्री का नंबर, पूर्णांक संख्या क्या है, एंट्री का नंबर क्या है। तो एंट्री का नंबर वो होते हैं, पूर्णांक संख्या वो होती है ऐसी संख्याएं जो माइनस अनंत से शुरू होती है और लगातार होती हुई प्लस अनंत तक जाती है। ऐसी संख्याएं जो माइनस अनंत से शुरू होती है और प्लस अनंत तक जाती है, या प्लस अनंत से शुरू होती है और माइनस अनंत तक जाती है, इन संख्याओं के मध्य की सभी संख्याओं को देखिए, ऐसी संख्या जो प्लस या माइनस अनंत से शुरू होती है और प्लस माइनस अनंत तक जाती है, इनके मध्य की जितनी भी संख्याएं होती है वो सभी संख्याएं पूर्णांक संख्या के नाम से जानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि माइनस अनंत से संख्या स्टार्ट हुई और माइनस तीन, माइनस दो, माइनस का एक, जीरो, एक, दो, तीन और प्लस अनंत तक जाती है, तो देखिए ये संख्या क्या कहलाएगी, पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो पूर्णांक संख्या प्लस या माइनस दोनों का सम्मिलित रूप होती है। पूर्णांक संख्या प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है। अब पहला क्वेश्चन मेरे पास एग्जाम से बनता है, और पहला क्वेश्चन ये बन के आता है, क्या क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, क्या प्राकृत संख्या को पूर्ण और पूर्णांक संख्या में सम्मिलित किया जा सकता, क्या बिल्कुल किया जा सकता है, यस, क्यों, सुनिए। ये यहाँ तक देखिए, क्या ये संख्याएं पूर्ण संख्या में आती नहीं आती है, और ये पूर्ण में आ रही पूर्णांक में आती नहीं आती है, आती है, वास्तव में सम्मिलित हो रहा है। तो पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या दोनों में प्राकृत संख्या को डाला जा सकता है। सेकंड बात करें, सेकंड क्वेश्चन, नोट नंबर सेकंड, क्या पूर्ण संख्या को पूर्णांक संख्या में सम्मिलित किया जा सकता है, क्या बिल्कुल किया जाएगा। जैसे देखें, क्या ये संख्या मेरी यहाँ से स्टार्ट होती नहीं होती एंड तक, बिल्कुल सेम है, बट कभी भी पूर्णांक संख्या को पूर्ण और प्राकृत में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, और पूर्ण संख्या को कभी प्राकृत में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक होने के बाद में हमारी एग्जाम्स में इन तीनों संख्याओं में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर में बन के आते हैं, और इस पर 12 प्रकार के क्वेश्चन बन के आएंगे, जो कि आपके औसत से संबंधित काफ़ी सारे क्वेश्चन बनेंगे। इसको हम आगे डिटेल से हमारे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। अभी आगे और देखिए, देखिए जैसा कि स्टार्टिंग करता हूँ मैं आपके आगे तीन चार संख्या, और वो संख्या देखिए ध्यान से सुनते हम लोग। जैसा कि नाम है मेरा पहला परिमेय संख्या, जिसको मैं कहूंगा रेशनल नंबर, कहूंगा रेशनल नंबर। दूसरा कहूंगा अपरिमेय संख्या, जिसे हम कहेंगे
इरेशनल नंबर, तीसरी बात करूंगा काल्पनिक संख्या जिसे मैं कहूंगा इमेजिनरी नंबर कहूंगा, चौथी संख्या हमारी होगी वास्तविक संख्या जिसे मैं रियल नंबर कहूंगा। हर एक को डिटेल से एनालिसिस करते समझते हैं। देखिए पहली बात करें कि परिमेय संख्या क्या होती है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर, तो इसकी मुख्य डेफिनेशन यह होती है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है एवं संख्या पूर्णांक होती है, और जब संख्या पूर्णांक होती है तो प्लस या माइनस दोनों में से किसी भी रूप में हो सकती है। सबसे पहली बात मैंने करी कि परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जो प्लस या माइनस दोनों किसी भी रूप में हो सकती है और पी अपॉन क्यू के रूप में हो सकती है। इस रूप का मतलब ये कहलाता है कि ये संख्या तो प्लस होगी या माइनस होगी जिसका अंश बटे क्या होगा हर होगा, तो यह अंश और हर दोनों के रूप में होना जरूरी नहीं लिखी जा सकती है। ये संख्याएं प्लस या माइनस के रूप में, अंश या हर के रूप में लिखी जा सकती है। ऐसे रूप को हमेशा परिमेय संख्या नाम से जानेंगे। और ये पहली बात होने के बाद में दूसरी, यह हमेशा पूर्णांक संख्या बनती है, पूर्णांक संख्या बनती है। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर क्या क्या नंबर बनेंगे, जैसा कि बात करें 22/7, 5/14, माइनस 11/7, 0, 5/22, 7/19, माइनस ले लूँ या माइनस कर दूँ चाहे तो 2 हो गया, 11 हो गया, 7 हो गया। देखिए इस प्रकार की संख्याओं को मैं क्या कहूँगा, परिमेय संख्या कहूँगा। जैसा कि अभी मैंने आपके सामने एक बात विदित करी है और मैंने बताया आपको कि संख्याएं जो अंश अपॉन हर प्लस माइनस दोनों के रूप में लिखी जा सकती है उन संख्याओं को परिमेय संख्या कहेंगे। तो ये तो अंश और हर प्लस के रूप में लिखा जा रहा है, अंश अपॉन हर माइनस में, अंश अपॉन हर माइनस में, अंश अपॉन हर, और जीरो में किसी बार लगाते तो जीरो आएगा। देखो ये भी संख्या लिख दी मैंने, बट ये संख्याएं क्या ओनली सिंगल नंबर में आ रहा है, ये संख्या भिन्न का रूप नहीं है। तो थोड़ा कॉमन सेंस की बात है, जब बटे में इसके अपॉन में कुछ नहीं तो क्या हम मिनिमम एक कर सकते हैं, और जैसे मिनिमम एक किया तो संख्या किसका रूप ले लेती है, अंश अपॉन हर पी अपॉन क्यू का रूप ले लेती है, और संख्या किस प्रकार रूप कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाती है। क्लियर बात यहाँ तक, जिसके बाद हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। तो अपरिमेय की डेफिनेशन ये होती है, इसकी परिभाषा की बात करें, इसकी परिभाषा, तो इसकी परिभाषा ये होती है कि वह संख्या जो परिमेय नहीं है, वह संख्याएं जो परिमेय नहीं है वह अपरिमेय कहलाती है। ये डेफिनेशन काफ़ी हद तक आपकी रोंग साबित हो जाती है। इसका मतलब तो जो काल्पनिक होगी वो भी हमारी क्या फिर अपरिमेय कहलाना चाहिए, जो कि गलत है। तो इसकी मुख्य परिभाषा थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिए एडवांस के रूप में, कैसी संख्याएं जो वर्गमूल के चिन्ह में होती है या किसी की सहायक वैल्यू होती है या किसी के कोई मात्रक रूप में होती है वो संख्याएँ अपरिमेय संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि √2, √4, √11, √16, ऐसी संख्याएं जो वर्गमूल के चिन्हों में प्लस चिन्ह के साथ होती है वो संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसी के साथ में जैसा कि sin 45, cos 60, लेमड़ा, ओमेगा, पाई, नेटा, जो भी मान चलो मैंने कह दिया आपको पाई, log 10, बेसी इत्यादि इस प्रकार के नंबर थे, ये सभी क्या कहलाते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। तो दोनों में कंपेरिजन आपको नजर आ रहा होगा, ये सभी संख्याएं क्या है पूरे पूरे अंकों में, तो क्या कहलाएगी, अपरिमेय। और हमेशा संख्या पूरे पूरे अंकों में होगी, कौन सी, परिमेय, कभी ये पॉइंट में नहीं हो सकती है, और पॉइंट में होगा तो फिर दशमलव नंबर में काउंट हो जाएगा। ये संख्या मुझे पूर्णांक में होगी, ये संख्या वर्गमूल के चिन्ह में प्लस चिन्ह के साथ होगी, और ये संख्या इस प्रकार के रूप में भी लिखी जा सकती है। तो ऐसी संख्या हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अगर देखें काल्पनिक संख्याओं पर, जैसे मैं काल्पनिक संख्याओं को इन्हीं के एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ, ध्यान दीजिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बात है। देखिए √2, √4, √11, √16 मैंने आपके सामने लिखा। अब देखिए चारों के चारों एग्जाम्पल तो के मैंने यहाँ पर रखा, अब ये संख्या क्या कहलाएगी, अभी भी अपरिमेय ही कहलाएगी, बट
दोनों में कंपेरिजन मुझे करना है तो दोनों में चिन्ह का बस फर्क होता है। और क्या फर्क होता है देखिए, जब अंदर कोई चिन्ह नहीं होता है हम क्या मानते हैं, मिनिमम प्लस मानते हैं। और यदि वर्गमूल के चिन्ह के अंदर, स्क्वायर के अंदर यदि ये चिन्ह प्लस के माइनस में आ जाता है, ये माइनस के चिन्ह आ जाता है, तो फिर ये क्या कहलाती है, काल्पनिक संख्या कहलाती है। तो बस दोनों में इसी बात का फर्क है कि यदि वर्गमूल के चिन्ह के अंदर प्लस चिन्ह है या कोई चिन्ह नहीं है, जब कोई चिन्ह नहीं होता है तो मिनिमम हम प्लस मान के चलेंगे, और यदि वर्गमूल के चिन्ह के अंदर अगर माइनस का चिन्ह लगा होगा तो संख्या क्या कहलाएगी, काल्पनिक कहलाती है। क्या पहला क्वेश्चन बनेगा, क्या काल्पनिक संख्याओं का कोई हल संभव है? नहीं, काल्पनिक संख्याओं का हल संभव नहीं होता है। क्या इनका हल किया जा सकता है? क्या हल इनका असंभव होता है। काल्पनिक संख्याओं का हल संभव नहीं किया जा सकता है। इन्हें किस नाम से प्रदर्शित किया जाता है? प्रदर्शित की बात करें, काल्पनिक संख्याओं को आयोटा से दिखाया जाता है, आयोटा से। काल्पनिक संख्याओं को आयोटा से प्रदर्शित किया जाता है, और आयोटा का साइन की बात करूं तो आयोटा साइन आई को थोड़ा नीचे घुमा देते, इस प्रकार से होता है। यानी कि आयोटा का साइन की बात करें तो आयोटा साइन हमारा होता है आई को ऐसे घुमा देते हैं, इस प्रकार से आयोटा साइन हो गया। और पूछे कि आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, आयोटा का मान कितना होता है, तो आयोटा का मान अंडर रूट माइनस वन होता है। आयोटा का मान अंडर रूट माइनस वन होता है। आयोटा का कोई हल संख्याओं का, काल्पनिक संख्याओं का कोई हल संभव नहीं होता है। काल्पनिक संख्याओं को आयोटा से दिखाया जाता है और आयोटा का मान अंडर रूट माइनस वन होता है। लास्ट संख्या हमारी बचती है वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या क्या होती है, रियल नंबर क्या होता है, जिसे हम रियल नंबर कहेंगे कि व्हाट इज रियल नंबर, तो रियल नंबर क्या होते हैं, वास्तविक संख्या क्या होती है, ध्यान दीजिए कि ऐसी संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनती है उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनती है उस संख्या को हम वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनती है उस संख्या को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, परिमेय के जैसे कि एग्जांपल मैंने लिया, जैसा कि 22 बटे 7, 5 बटे 11 माइनस का 9 बटे 17, इस प्रकार से साइन 45 हो गया, रूट 2 हो गया, रूट 11 हो गया, इत्यादि संख्याएँ, या पाई हो गया, ऐसी संख्याएँ। तो ये सभी संख्या देखिए हम बात करें तो ये संख्या तो हमारे परिमेय का एग्जाम्पल है और ये संख्या हमारे किसका एग्जाम्पल है, अपरिमेय का एग्जाम्पल है। तो परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर जो संख्या बनती है वो संख्या हमारी वास्तविक संख्या कहलाती है। यहाँ तक समझने के बाद एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन बन के आते हैं, काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन बन के आते हैं जो कि हमारे गलत हो जाते हैं, ठीक है। बड़े थोड़ा टाइम देते हैं आपको, आप चाहें तो इनको आप अपने रिटर्न कर सकते हैं। देखिए सारी चीज़ों को स्पष्ट होने के बाद में अब पहला क्वेश्चन मेरे पास एग्जाम बन के आता है, पहला क्वेश्चन यह आता है एग्जाम में, सुनिए क्या पाई का मान कौन सी संख्या होगी। पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर मैंने आपके सामने पूछा है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे कि पाई का मान कौन सी संख्या है। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि पाई का मान कौन सी संख्या है, तो ध्यान दीजिए मैं आप पूछ रहा हूँ पाई का मान कौन सी संख्या है, क्वेश्चन बड़ा फोकस डालिए, मैंने पाई के बारे में नहीं पूछा है, मैंने उसके मान के बारे में पूछा है। तो पाई का मान, पाई स्वयं अपरिमेय संख्या है, ध्यान दीजिए यह पाई है, यह पाई स्वयं अपरिमेय संख्या है, परंतु पाई का मान, और पाई का मान कितना होता है, ध्यान देने वाली बात है, पाई का मान जो कि इसका मान कितना होता है, इसका मान शुद्ध मान होता है 22/7, और पाई का शुद्ध मान 22/7 जो कि कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो मैंने क्वेश्चन में बड़ा ध्यान दिया, छोटे से शब्द की वजह से हमारे क्वेश्चन गलत होने के चांस बनेंगे। मैंने पूछा आपसे पाई का मान कौन सी संख्या है, तो पाई स्वयं अपरिमेय संख्या है, परंतु इसका मान, इसका हल परिमेय संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार से मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर बात करूंगा, चर्चा करता हूं। यहां तक बात ध्यान देते हैं, मैं थोड़ा सा इनको आपके सामने इरेज कर देता हूं। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल से समझा देता हूं आपको।
पहला एग्जाम्पल देखते हम लोग। पहला ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पाई कौन सी संख्या है। क्वेश्चन नंबर दो, पाई का मान कौन सी संख्या है। देखिए दोनों प्रश्नों का डिफरेंस समझिए। मैंने क्वेश्चन पूछा उसे पाई कौन सी संख्या है, तो पाई कौन सी संख्या है, तो पाई अपरिमेय संख्या है। परंतु मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं मान की बात कर रहा हूँ, हाईलाइट करने वाली बात है मान, और मान कितना 22/7, जो कि कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इसका पाई स्वयं अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। परंतु इसका मान, मान कितना बोलिए 22/7, जो कि कौन सी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ तक बात होने के बाद क्वेश्चन नंबर तीन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन नंबर तीन पूछे हैं, पूछिए आपसे कि लॉग 10 कौन सी संख्या है। लॉग 10 का मान, लॉग 10 का मान कौन सी संख्या है। लॉग 10 कौन सी संख्या है, तो लॉग 10 कौन सी संख्या है, लॉग 10 कौन सी संख्या है, तो लॉग 10 अपरिमेय संख्या है। परंतु इसका मान और लॉग 10 का मान कितना होता है, इसके मान की बात कर रहा हूँ, मान, और इसका मान कितना होता है, एक होता है। लॉग 10 का मान एक होता है, और एक अपने आप पूर्णांक संख्या है, और पूर्णांक होगी तो परिमेय संख्या में काउंट हो जाएगी। तो ध्यान दीजिए, लॉग 10 स्वयं अपरिमेय संख्या है, परंतु इसका मान, इसका हल परिमेय संख्या बनेगा। इसके बाद में और क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे हम लोग, चौथा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन पांच की बात करें, जैसे कि मैं बात करूं कि √4, √16 इत्यादि, यह कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या। और आगे बात करूं √4, √16 का हल कौन सी संख्या है। देखो बड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे कहा कि √4, √16, √9, √11, √15, √13 इत्यादि संख्याएं, यह संख्या कौन सी संख्या आती है, तो यह संख्या कौन सी संख्या, √4, √16। देखो प्लस चिन्ह अंदर है, तो इस प्रकार अंक को हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो यह संख्या क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब मैंने आपसे पूछा है कि √4, √16 का हल कौन सी संख्या है। देखिए बात कर रहा हूं मैं हल की, और हल यानी कि इनका सॉल्यूशन। तो देखिए √4 का हल करेंगे तो कितना आएगा 2, और √16 का हल करेंगे तो कितना आएगा 4, और ये संख्या क्या बन के आई है, पूर्णांक बन के आई है। तो √4 और √16 का सॉल्यूशन क्या होता है, तो परिमेय संख्या बन जाता है। तो ये संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। यहां तक क्लियर बात। इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर आगे और देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्लियर होता है, क्वेश्चन 7 देखते बड़े ध्यान से समझने वाली बात है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर, इसका देखो √3, √2 इत्यादि का हल कौन सी संख्या है। देखिए मैंने आपसे क्वेश्चन में कहा कि √3, √2 का हल कौन सी संख्या है। मैंने यहाँ आपसे पूछा कि √4, √16 का हल कौन सी संख्या, तो आपने इजीली में इनका हल करते हुए बता दिया है कि इनका हल क्या है, 2 और 4 आने के कारण संख्या क्या बन जाती है, परिमेय बन जाती है। पर बात करें कि √3, √2 का हल कौन सी संख्या है, तो इसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, अभी हम इसको, अब इसको भी हम परिमेय कहना चाहिए, बट इसको परिमेय नहीं कहते। इन संख्याओं का अगर मैं हल करता हूँ तो देखिए √3 का हल करेंगे तो इसका मान कितना था 1.732, और √2 का हल करेंगे तो इसका मान आएगा 1.414 आता है। तो देखिए हमने इसका सॉल्यूशन किया तो 1.732, और इसका हल किया तो 1.414 आता है, जो कि पूरे पूरे अंकों में नहीं आती है। और इसका हल किया तो किस में आता है, पॉइंट में, यानी दशमलव में आता है, और दशमलव में आने के कारण इससे हम दशमलव संख्या के अंदर सम्मिलित करते हैं, ना कि परिमेय के अंदर। अतः बात ध्यान देना, दोनों क्वेश्चन में बहुत बड़ा अंतर है। अगर वर्गमूल का हल पूरे पूर्णांक अंक में प्राप्त किया जाएगा तो परिमेय संख्या बन जाएगी, और वर्गमूल का हल अगर दशमलव में प्राप्त किया जाएगा तो दशमलव संख्या बनेगी। ठीक है, इसी के साथ में मैं यहाँ पे आप क्लास को विराम देता हूँ,
इसके साथ में आप मेरा नेक्स्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा और इसी टॉपिक का सेकंड वीडियो यूनिट वैल्यू इकाई अंक प्राप्त करने से संबंधित वीडियो आता है। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसमें कमेंट करें, और अगर आपको कोई सुझाव देना है तो आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरे दोस्त। ओके, थैंक यू सो मच। कितना मिनट बना बेटा?